कैसे लगाया जाएगा बताइए आप। गांवों में आखिर ये डर कहां से आता है कि वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों की मौत हो रही है? ये अफवाह फैलाता कौन है? आइए हम आपको हकीकत बताते हैं, सच्चाई बताते हैं, वो आंकड़े दिखाते हैं जो वैक्सीन लगाने के बाद आपकी सेहत से जुड़े हैं, ताकि आप एक सही फैसला, सही निर्णय ले सके। 21 फरवरी तक के आंकड़े के मुताबिक अमेरिका में 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज दी गई थी, जिसमें से 1,099 लोगों की मौतें दर्ज हुई, यानी सिर्फ 0.0015% लोगों की मृत्यु वैक्सीन लगवाने के बाद हुई। CDC का कहना है कि वैक्सीन और मौतों के संबंध को लेकर अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिले। इसी तरह भारत में भी 29 मार्च तक वैक्सीन लगवाने के बाद 180 लोगों की मौत हुई, तब तक 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी थी, यानी उस समय 0.003% लोगों की ही वैक्सीन लगवाने के बाद मौत हुई। लेकिन ये मौतें वैक्सीन लगवाने से ही हुई, इसका कोई प्रमाण नहीं मिला, यानी वैक्सीन की वजह से मौत होने की बात सरासर गलत है। डर ग्रामीण इलाकों में ज्यादा है, क्योंकि वहां जागरूकता की कमी है। हम आपको बताते हैं कि अलग अलग राज्यों के गांवों और शहरों में वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है। 20 मई तक महाराष्ट्र में ग्रामीण इलाकों में 14.71%, जबकि शहरी इलाकों में 32.47% लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है। मध्य प्रदेश में ग्रामीण इलाकों में 10.86% और शहरी इलाकों में 23.18%, उत्तर प्रदेश में 6.81% ग्रामीण और शहरी इलाकों में 13.62%, पश्चिम बंगाल में 12.42% ग्रामीण और 18.83% शहरी इलाकों में वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। तमिलनाडु में गांव में 6.96% और शहर में 13.34%, कर्नाटक में गांव में 17.17% और शहर में 23.44%, राजस्थान में गांव में 21.43% और 24.28% लोगों को शहर में वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। केरल में ग्रामीण इलाकों में 23.17% और शहरी इलाकों में 25.88%, गुजरात में गांव में 24.53% और शहर में 25.43% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। वैक्सीन से डरने वाले लोगों की एक शिकायत ये है कि वैक्सीन लगवाने के बाद बुखार आता है, जिससे उनको डर लगता है और उनकी तबीयत खराब हो रही है। हम लोगों को भरोसा भी नहीं है। अच्छा। बाकी हमने जांच करवाई है 2-3 बार, तो मेरी जांच में कुछ नहीं निकला है। तो जांच में तो आपको कुछ नहीं निकला, लेकिन आपको लग नहीं रहा कि अगर टीका लग जाएगा तो थोड़ी और सुरक्षा हो जाएगी? इसमें डर इसलिए लगता है जो बुखार आ जाता है, बाकी कोई डर नहीं है। क्या आपने कोई ऐसे लोग की जानकारी भी लगी आपको? जी हम लोग सुने तो हैं, बाहर बहुत लोग कहते हैं कि ये वैक्सीन लगवाने से मौत हो रही है। मतलब बुखार आता है और पलटी भी होती है, और जैसे कि दवाई वाई लाओ तो वो घबराहट होने लगती है, यही सब है प्रॉब्लम। शहरी इलाके से लगे हुए गांवों में भी यही डर है। बढ़ता हुआ तापमान लोगों के खौफ में भी इजाफा कर रहा है। सर अभी हमारे यहाँ जिन जिन लोगों को भी लगी है, उनकी अमूमन सभी की तबीयत खराब हुई है। मेरी मदर को भी लगी है, वो भी करीब करीब 20 दिन में रिकवर हुई है, और बहुत ज्यादा बुखार वगैरह और हाथ पैरों में दर्द, इस वजह से थोड़ा सा अभी देख लें। आप तो पढ़े लिखे लग रहे हैं, फिर ये मन में सवाल क्यों आ रहा है आपके? अब सर एक्चुअल में क्या, 2-4 लोगों ने अपने अगल बगल में लगाई, अपने गांव तरफ भी लगाई, उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, तब उनको देख कर थोड़ा सा एक भय टाइप में भरा गया कि मतलब वैक्सीन लगने के बाद, पहले सही थे, लगने के बाद दिक्कत हो गई उनको ज्यादा, तो एक भय भरा गया और क्या उसको देख के। वो तो 2-3 दिन की तबीयत रही होगी ना, मतलब वो तो हरारत रहती है, वो तो डॉक्टर भी कहते ही हैं। 20-25 दिन तक बीमार था, मेरे पिताजी खुद लगी थी, उनको खुद कम से कम 25 दिन बाद रिलीव हुआ उनको जाके, तो इसलिए थोड़ा सा भ्रम भरा गया मन में और कुछ नहीं।